पुरानी दिल्ली के जायके सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं। यहाँ की पेचीदा गलियों में से निकलते हैं अनोखे जायके। यहाँ की नुक्कड़ की दुकानों से आती है खाने की बेहतरीन खुशबू। यहाँ के बाशिंदे हैं मिलनसार, और भी बहुत कुछ है हमारी पुरानी दिल्ली में। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, आप जरूर ट्राई करें। इसी पुरानी दिल्ली के बाजार मटिया महल में है कूल पॉइंट, जो जाना जाता है अपने लजीज शाही टुकड़े और फिरनी के लिए। और इस कूल पॉइंट को चलाते हैं दानिश भाई, जिनकी दावते वलीमा में हमें शरीक होने का मौका मिला। भाई अब दावत पुरानी दिल्ली के बाशिंदे की हो तो पकवान के क्या कहने। दानिश भाई ने दिल्ली के चुनिंदा खाना बनाने वालों को बुला के दावत में चार चांद लगा दिए। एक तरफ शामियाना लगाया जा रहा था तो दूसरी ओर पुरानी दिल्ली के पकवान तैयार किए जा रहे थे। यहां मिले हम बाजार मटिया महल के जाने माने बावर्ची नईम भाई और इमरान भाई से। इससे पहले कि हम जाने क्या पकाया जा रहा है, नईम भाई ने दिखाई हमें कुछ पुरानी तस्वीरें। इनकी पिक्चर्स है, इनके फादर के नाम पे ये फार्म है। ये खड़ी अहमद साहब हैं, ये इंदिरा गांधी जी हैं, श्री मोहम्मद यूनुस सलीम एक्स मिनिस्टर लॉ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती इंदिरा गांधी एक्स प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनके लिए भी खाना पकाया है पिताजी ने। तस्वीर देखने के बाद सिलसिला शुरू हुआ खाना पकाने का, जिसमें सबसे पहली डिश थी कश्मीरी चिकन। इसमें क्या क्या डाला हुआ आपने? घी है, अभी हमने घी डाला है और दही डाला है। इसकी ग्रेवी पकने के बाद बाइट आएगी, इसके अंदर फिर ड्राई फ्रूट डलता है, काजू, बादाम, किशमिश, चिरौंजी। तो घी को पकाते नहीं है? ये घी पका हुआ रखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, घी पहले से पकाया हुआ है आपने? इसमें हम प्याज ऑयल करते फ्राई करते हैं ना, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ी काली मिर्च, इसमें थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, तो ये अच्छा लगता है, स्वाद में आता है। इसको बोलते हैं दखनी मिर्च। दखनी मिर्च जी, ये वाइट के अंदर यही काम में आता है। ये क्या? नमक, सॉल्ट है, जिसको साबुत नमक भी बोलते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जी खुरदुरा, हाथ से महीन करा जाता है। अच्छा, इसका जो है डला आता है इतना मोटा मोटा। अब इसमें डालेंगे अदरक, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी अदरक, बाकी इसकी गार्निश की नहीं है ऊपर। इमरान भाई, आपको कितना समय हो गया ये काम करते हुए? अब समय तो बता नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो बचपन से ही इसी में ही हमने आँख खोली है, तो ये काम देखा है। कितने आइटम्स बना लेते हैं आप? ज़्यादातर तो बना ही लेते हैं जो मुगलाई में होते हैं, सारी डिशें बन जाती हैं। चिकन को मसालों में पकाने के बाद कश्मीरी चिकन की अलग से ग्रेवी तैयार की जाती है, और फिर दोनों पकाए हुए चिकन और ग्रेवी को मिक्स करके इसे गार्निश करते हैं खूब सारे मेवे से। तो एक कश्मीरी चिकन की ग्रेवी बन चुकी है, बिल्कुल लाइट है, हल्का येलोइश है ऊपर से ये ड्राई फ्रूट। अरे वाह, चिरौंजी, काजू, बादाम, किशमिश, मगज, क्या बात है। अब इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट डालना रह गया है, इसमें ड्राई फ्रूट और क्रीम डलेगा बस। इसमें किशमिश, गुटे से बादाम, काजू, चिरौंजी, क्या बात है। ये तैयार हो गया कश्मीरी चिकन, इसकी आप कलर देखें, हल्का सा येलोइश है, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ऊपर में, काफ़ी रिच ग्रेवी है। एक सेकंड ऐसे ही पकड़ा रहा, आप इसका टेस्ट चाहे तो देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब दही की अच्छी खटास भी है, हल्का मीठापन भी है खोए का, काफ़ी रिच ग्रेवी है,
बिल्कुल घी में लवालव, साथ में ड्राई फ्रूट्स क्रंचीनेस के लिए, बहुत ही बढ़िया। आप बता रहे थे बचपन से आप खाना पकाते हुए आ रहे हैं और आपने कहा जब से होश हमारा तब से खाना ही पका रहे हैं, तो कुछ हमें मुगलई खाने के बारे में बताइए कि शाहजहानाबाद का खाना क्या है। शाहजहानाबाद का वैसे खाना जो स्पेशल मुगलई में आता है वो सिर्फ कौरमा है, मटन और मटन स्टू है, मटन नहारी है, मटन बिरयानी है, और जिसको बोला जाता था सोना चांदी उसको बोलते थे बिरयानी, मटन बिरयानी। सोना चांदी इसलिए कि उसमें आधे चावल वाइट होते हैं और आधे गोल्डन होते हैं, इसलिए सोना चांदी बोला जाता था। लजीज कश्मीरी चिकन का जायका लेने के बाद अब बारी थी पुरानी दिल्ली की मशहूर नहारी की। आइए देखते हैं इसे कैसे पकाया जाता है। इमरान भाई, ये सारा कुछ अंदाज में है जी, इससे वजन नापते हैं? ये हमारा वजन है। तो इससे वजन तोला जाता है हाथ से? हाँ जी, जो हमारे बड़ा हमें सिखा रहे हैं आज तक उसी तरीके से काम कर रहा है। ये सौंफ और सौंट है, किसी भी सौंफ और सौंट जी, सौंट बोले तो ड्राई जिंजर जी जी भाई। सौंफ और सौंट के बाद इसमें डाला गया हाथ से कुटा हुआ गरम मसाला। इसके अंदर जीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, लौंग इलायची है और जायफल जबोत्री है, ये सब मसाला मिक्स करके हम पाउडर बनाते हैं, हम अपना बना के डालते हैं। ये कितना गोश्त होगा इसमें? इसमें ये है ये 45 kg। 45 किलो? हाँ। और पाए कितने हैं? पाए इसमें है 50। टमाटर? टमाटर है, थोड़ा सा स्वाद के साथ अनुसार इसमें हल्की सी चसक पैदा हो जाएगी। नमक? अब इसमें हम डालेंगे नमक लगभग 2 मुट्ठी। लगभग 2 मुट्ठी ये थोड़ा सा टूटने पर आएगा ना, जब बेसन डाल के इसको हल्की आंच पर रखा जाता है जो मीठी मीठी आंच। अभी क्या डाल रहे हैं? चना पाउडर। चना पाउडर तो ये एज अ थिकनर काम करता है ग्रेवी को गाढ़ी करने में। नहारी में अभी डाला गया चना का पाउडर और बिल्कुल ग्रेवी गाढ़ी हो गई। ये तो चने का पाउडर डालते ही नहारी की सूरत बदल गई। अब ये तेल छोड़ रहा है, मतलब मसाला पक चुका है। मसाला पक रहा है, लेकिन ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल नहारी बनती थी वो रात में चढ़ाई और सुबह उसको खोला। सुबह खोला। चलिए जब तक धीमी आंच पे नहारी पक रही है, आइए शुरू करते हैं मटन बिरयानी बनाने का सिलसिला। ये बिरयानी की यखनी बनाई जा रही है जी। हाँ। इसमें मटन है? मटन है, कच्चा मटन है, दही है, लहसुन है, घी है, लौंग इलायची है, अदरक। तो इसको कितने देर तक छोड़ते हैं ऐसे? है? कितने देर तक ऐसे रहेगा? जाएगी तो वहाँ पकेगी, मतलब आधे घंटे लगभग। हाँ, तो आधे घंटे का मैरिनेशन किया जाता है बिरयानी पकाने में। मटन को मैरिनेट किया गया है दही, अदरक, लहसुन, खड़े मसालों के साथ घी में, और उसके बाद फिर इसको पकाया जाएगा। जब ये आधी पक जाएगी, बॉयल करेंगे इसको, बॉयल करेंगे, जब उबाल आ जाए इस पर, हल्की पक जाए, उसके बाद चावल डाला जाता है इस पर। चावल भी आधा पका हुआ होता है, आधा पक्का होता है जी। और उसके बाद दोनों साथ में पकती है। तो ये दिल्ली स्टाइल पक्की बिरयानी। 3 घंटे लगी है बिरयानी पकने, तैयार एकदम फुल। 3 घंटे और इसमें बीच में वो भी डालेंगे ऑरेंज कलर, जो फूड कलर जाता है, जो दही का बनता है, रंग होता है, केवड़ा होता है, दालचीनी कूट के डाली जाती है, बहुत से होते हैं ज़ाफ़रान डालते हैं। गोश्त को पकाने के बाद अब डाला जा रहा था इसमें एक मिश्रण जो काफ़ी इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाया गया था। हर सिंगार इसमें खुशबू भी नहीं है। मैक देखो कितनी अच्छी है। केवड़ा डाला है इसमें? केवड़ा है, लौंग इलायची है, जायफल जबोत्री है, हर सिंगार है,
एक जड़ी बूटी आती है हरसिंगार, हाँ फूल 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 होता है, फूल होता है वो। इसके बाद चावल की तह लगाएंगे, इसके बाद तेल लगाएंगे और फिर दम पे लगा के पकाई जाएगी बिरयानी। फिर लंबे आकार वाले चावल को आधा पकाया गया। और फिर डेग में तह लगाई गई मटन के ऊपर चावल की। सब कुछ अंदाज पे है, कितना चावल गिराना है, कितना गिराना है इसमें। एक देख के अंदर तकरीबन ये चावल भी आधा पका हुआ है, आधा पका और गोश्त भी आधा पका हुआ है। अब दम पे दोनों साथ में पक जाएंगे, दम पे दोनों साथ पक जाएंगे, जो गोश्त में कसर होगी वो भी निकल जाएगी। कितने देर तक पकाएंगे दम पे? इसमें कम से कम एक घंटा, एक घंटा लगेगा। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। और अंत में इस डेग को लगा दिया गया दम पे। अगर बाजार मटिया महल के खाने की बात की जाए तो आप हाजी हुसैन का फ्राइड चिकन और फ्राइड फिश नहीं भूल सकते। इन्होंने यहाँ दावत में बनाए काफ़ी जायकेदार डिशेस, जैसे गिलाफी कबाब, फ्राइड चिकन और फ्राइड फिश। आपका नाम क्या हुआ? अब्दुल रहीम साहब। हाजी हुसैन जी के यहाँ से आए हैं? हाजी हाजी। और पूरे हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया फ्राइड चिकन कहीं मिलती है तो मटिया महल में मिलती है। शॉप का नाम है हाजी हुसैन, हाजी मोहम्मद हुसैन, हाजी मोहम्मद हुसैन। और 1975 से वो दुकान वहाँ पे है। और कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली में फ्राइड चिकन उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया और उसकी मैरिनेशन यहाँ पर की जा रही है। तो ये चिकन है, इसमें क्या क्या डाला है बताइए? इसमें लाल मिर्च है, गरम मसाला है, अजवाइन है, नमक है, लहसुन है और ऊपर से पानी। ये क्या है? ये बेसन है। बेसन, अंडा भी डालते हैं इसमें? नहीं नहीं, अंडा नहीं डालते। तो इसको अभी सर्व करने से पहले हाफ कुक करके रखेंगे? आप हाफ करके रखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर उसके बाद करेंगे जब खाना खुलेगा। खाना कितने बजे खुलेगा? 9 बजे तक खाना खुलेगा। 9 बजे तक वेट करना पड़ेगा, भूख लग रही है देख देख के। तो अभी खिला देते ये कितना किलो चिकन पक रहा है? ये चिकन बन रहा है भाई, ये 150 किलो चिकन है, 150 किलो फिश है और 150 किलो तंदूरी है और कबाब आपके हैं 150 रुपये के आसपास कबाब बैठेंगे। तो कितने लोगों की तैयारी है? ये तैयारी तकरीबन 1200-1500 आती है। 1200 लोग? कितने लोगों की? लोगों मटन कौरमा है और 60 किलो की बिरयानी है और चिकन अचारी है 50 किलो। अब ये फ्राइड फिश और फ्राइड चिकन है। अरे चेक करो, अभी चेक करो। नामिद भाई का काम बढ़िया है, चीज़ बढ़िया बनाते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसी मछली, क्रंची। 10 रुपये ज़्यादा लग जाए। हाँ अच्छी करो। हाँ हाजी जी का ये कहना है हमारा। हाँ बहुत ही क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। चिकन लेग पीस। ये बनाए जा रहे हैं यहाँ पे गिलाफी कबाब, चिकन गिलाफी।
मक्खन तो खूब डाल दिया भाई साहब। खा के देखो ना, बताओ फिर हमें कैसा है। नमक कैसा है आगे बताओ को मैं। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, इतना लाजवाब बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन। राजा बाप बिल्कुल सॉफ्ट चीज, अगर कमी हो तो बता दो। सवाल ही नहीं होता, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही भाई खाओ खाओ, बहुत ही टेस्टी है। मेरे को बिना मक्खन के खिलाओ यार, एक मक्खन ज़्यादा है। अरे दो कबाब ऐसे फेंक के दे भाई को। तो इस कबाब को कहा जाता है गिलाफी कबाब। गिलाफी कबाब चिकन का कीमा, उसके ऊपर से लगाया गया गाजर, खोया, पनीर, हाँ। हरी मिर्चें, बीन्स, साथ में शिमला मिर्च। हमने दही और मक्खन क्रीम के साथ ट्राई किया, अब बिना उसके ट्राई करेंगे। लो आप पहले पहले आप ले बगैर उसका है, बगैर मक्खन का जाइ भाई, आप लो ना। बहुत ही जूसी मेल्ट इन माउथ कबाब। वैसे ट्राई करा तो दही की ग्रेवी बना के सब दे रहा था, मैंने बोला रूखा चाहिए मेरे को, इसलिए एक मिनट आपको भी दे रहा, ग्रेवी बना के दे रहा हूं। मुझे तो रूखा ज्यादा मजा आता है खाने में। बाबा मैं सही जैसे मजा खाओ, मक्खन में मक्खन का टेस्ट ज्यादा आता है, ये प्रॉपर सही टेस्ट आ रहा है चिकन का। इसके बाद हम आ पहुंचे ओखला से आए शकील भाई रोटी वाले पे, जहां निकाली जा रही थी तंदूर से गर्मा गर्म शीरमाल और लच्छा पराठा। तो कौन सी तरह की रोटी बन रही है यहाँ पे? रोटी हमारे पास एक बाकर खानी है, शीरमाल जिसको बोलते हैं, और लच्छे पराठे हैं रवा मैदे के, और दूसरी रोटी दूध वाली है, डिस्को रोटी जो होती है। डिस्को रोटी जी, ये क्या होती है? रोटी होती है अभी लगेगी वो शाम को, और तीसरी रोटी खमीरी रोटी है वो। हा? चार हो गई भाई साहब, चार रोटी। तो सी शीरमाल को लाल रोटी ही बोलते हैं जी जी। और बाकर खानी क्या होती है? बाकर खानी भी इसको बोलते हैं। शीरमाल के ऊपर रबड़ी जी, उसके ऊपर पिस्ता जी, भाई साहब एनआरसी कब दे एनआरसी, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया जी। मतलब लो लो और मैंने गांव ने ढूंढबो करी है तुमको, बहुत ही टेस्टी है जी। शीरमाल के ऊपर रबड़ी पहली बार खा रहा हूं मैं, बहुत ही उम्दा, अच्छा क्रंचीनेस, ऊपर पिस्ते का है, ऊपर से मीठी रबड़ी लच्छेदार, साथ में सॉफ्ट शीरमाल। तो इस रोटी को तोड़ने से परतें निकलेंगी इसमें से। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो उधर से दिखाएंगे, उधर 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 देखो, इसको जहाँ से खोलोगे वहीं से खुलेगी। अच्छा शकील भाई बताइए, आपका तो रोटी का काम है, आपके पूर्वज जो आपके एसेस वो भी यही काम करते थे रोटी बनाने का? जी जी जी, खानदानी मामला है। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब मैं कहता हूँ ना, कबाबची का काम होता है कबाब बनाना, रोटी वाला काम होता है रोटी बनाना, जो सालन बनाते हैं वो अलग होते हैं, सबका अपना अपना काम बना हुआ है, आपका सिर्फ रोटी का काम है। अच्छा ये बताइए शकील भाई, कितने तरह की रोटी बनती है आपके यहाँ? कई तरीके की,
फिर भी कुछ काउंट है? ये मान के चलिए कम से कम 200 तरीके की, 200 तरह की रोटी है भाई साहब। ये गोल है, स्क्वायर भी बनेगी, त्रिकोण भी बनेगी। और मटेरियल भी जो डाला जाता है आटे में वो भी अलग होता है, किसी में मैदा सूजी है, किसी में आटा है, किसी में अजवाइन है। यहाँ के स्थानीय भाषा में इसे दलीम बोलते हैं, जिसे पकाया जाता है कई तरह की दाल, दलिया और मसालों में गोश्त के साथ। यहाँ बनाया गया था चिकन दलीम, जो बहुत अच्छे तरीके से घुटा हुआ था, और इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर डाले गए तले हुए प्याज, धनिया, हरी मिर्च और चाट मसाला। पुरानी दिल्ली की सबसे बेहतरीन हलीम कहीं मिलती है तो वह गली कबाबिया में बुंदू हलीम शॉप है, जहाँ पे नई माई हलीम बनाते हैं। जबरदस्त, बहुत ही उम्दा। भला पुरानी दिल्ली के खाने की बात हो तो आप चाट को कैसे भूल सकते हैं। हमने यहाँ जायका लिया पापड़ी चाट का। हालांकि लोगों ने जोर दिया हुआ मांसाहारी खाने पे, हम थोड़ा जायका लेते हैं शाकाहारी खाने का भी। ये है पापड़ी चाट, इसमें भल्ला भी है मूंग दाल का बना हुआ, ऊपर सौंठ, धनिया की चटनी, भुजिया, अनार, गाजर, मूली, धनिया पत्ता। आइए जायका लिया जाए। क्रिस्पी पापड़ी, सॉफ्ट भल्ला, मीठी सौंठ, धनिया पुदीने की चटनी, इसमें हरी मिर्च है, उसका अच्छा हल्का तीखापन भी है। क्रंचीनेस के लिए अनार और भुजिया, बहुत ही उम्दा जाएगा। इसके बाद हम आ पहुंचे हलवा पराठा काउंटर पे। हलवा पराठा बनाने वाले जनाब आए थे मौसपुर से, और यहाँ हमने स्टेप बाय स्टेप हलवा बनाने की विधि देखी, जो बनाई जा रही थी सूजी, बेसन, घी, शक्कर, नारियल पाउडर और खूब सारे ड्राई फ्रूट से। और इसी के साथ तैयार किया जा रहा था बहुत ही बड़े साइज का डीप फ्राइड पराठा। तो ये आ गया डीप फ्राइड पराठा, जिसमें खूब सारी परत दिख रही है, और ये पुरानी दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर जायका है हलवा पराठा। क्या बात है, बिल्कुल क्रंची। और इसे खाते हैं सूजी के हलवे के साथ। हलवा तो मैंने इन्होंने चखवाया था, बहुत ही उम्दा है। वाकई बिल्कुल क्रिस्प पराठा, और साथ में गुई मॉइस्ट सूजी बेसन का हलवा, खूब सारे ड्राई फ्रूट के साथ। बस अरे आप भी लीजिए। स्टार्टर्स का जायका लेने के बाद अब वक्त हो चला था मेन कोर्स का। और इन सभी डिशेस के बारे में बताने के लिए हमारे साथ थे नईम भाई। पहले शुरुआत करते हैं मटन बिरयानी। आप निकालो, एक बोटी देना बस, छोटी सी। बस बस बस, बहुत कुछ खाना है। ये मटन कोरमा, ये मटन का कोरमा है। और ये कश्मीरी चिकन है। बहुत बढ़िया। ये नहारी, ये नहारी है, मटन नहारी है। बहुत बढ़िया।
देखिए ये फायदा अच्छा, है जब तक ये हरी मिर्ची वगैरह ना हो ना नारी के अंदर तो वो नारी नहीं लगती, स्वाद नहीं आता प्रॉपर, स्वाद नहीं आता। शाकाहारी खाने ये पूड़ी, ये नान, ये छोले, ये दाल, वो पनीर, छोला है, पूड़ी है, नान है, कोई तो शाकाहारी खा रहा है। देखो ये दूध रोटी है, ये खमीरी रोटी है, ये खमीरी रोटी आ गई, ये लाल रोटी आ गई है, ये पराठा आ गया। अच्छा पराठा, हाँ। भाई हम लोग दानिश के दावत में शरीक होने के लिए दोपहर से आए हुए हैं और हमने देखा कि यहाँ पे जो भी डिशेज बन रही हैं सबके एक्सपर्ट आए हुए हैं, चाहे वो हलवा पराठे वाला हो जो मौसपुर से आया हुआ है, चाहे वो चाट वाले हो लाला राम केटर वो भी दिल्ली गेट से आए हुए हैं, फिर रोटी वाले शकीर भाई वो ओखला से आए हैं, ग्रेवी सेक्शन सारा आपने बनाया है, कौरमा, नहारी, बिरयानी, कश्मीरी चिकन, उसके बाद फिर फ्राइड के लिए हाजी हुसैन, पूरे ओल्ड दिल्ली के जो भी जायके हैं सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए, सब कुछ बहुत ही उम्दा था। अब फाइनली जो खाना नईम भाई ने बनाया है उसका टेस्ट कर रहे हैं। मैंने ये रोटी ट्राई की है शीरमाल की, जिसमें ऊपर रबड़ी और पिस्ता लगा के उन्होंने खिलाया था, बहुत ही उम्दा थी। मैं ट्राई करना चाहता हूँ दूध रोटी, आप भी शुरू करें साथ में, आप शुरू करें जो आपका दिल चाहे वो खाएं। मेरे को ट्राई करना है पहले तो कश्मीरी चिकन, इसमें खूब सारा ड्राई फ्रूट्स है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना, आप बताएं कैसा है? बहुत बढ़िया। ये दूध रोटी कितनी फ्लफी और सॉफ्ट है, साथ में ऊपर तिल लगा हुआ है, नहीं इसके अंदर तिल काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं जब ये मुलायम होती है रोटी, इसके अंदर ये आटा जो है ना दूध के अंदर गुना जाता है, इसमें अंडे, खोया, ड्राई फ्रूट पीस के डाला जाता है जब ये सॉफ्ट रहती है रोटी, इसके ऊपर अभी देसी घी लगा हुआ है, हाँ और खमीर भी है, हाँ हाँ नमकीन और मीठा की दोनों चीज़ों की मदद देती है ये खाली नमकीन नमकीन का मदद देगी, और ये मीठी है, ये तो है ही मीठी जो बाकर चलती है शीरमाल हमारी, ये तो है ही, ये लच्छा पराठा, ये जो है ना नमकीन और मीठा होता है इसका टेस्ट। कश्मीरी चिकन भी बहुत ही लाजवाब है, मतलब अच्छा हल्का मीठापन भी है इसमें, थोड़ी खटास है दही की है, तो दोनों जायके इसमें मिल रहे हैं, और इसके अंदर भी जो ना दूध, क्रीम, दही, देसी घी, ड्राई फ्रूट वगैरह सब चीज़ होती है इसके अंदर। अब ये ट्राई करते हैं लच्छा पराठा, तो ये लच्छा पराठा इसमें देखें कितनी सारी परत है, और इसके अंदर में अजवाइन भी है, सौंफ भी है, और ये बनाया गया है सूजी और मैदे का, मुठी खुद में इतनी टेस्टी है कि सालन की ज़रूरत ही नहीं है, वाह। ये हल्की नमकीन है जी, इसको ट्राई करते हैं, ये कोरमा है, मटन का कोरमा है, मटन का ताजा बना हुआ है, केवड़े की बहुत सी खुशबू आ रही है इसमें खाते ही, इसमें काफ़ी सारे मसाले होते हैं जो खुशबू दे रहे हैं, तो इसमें दही का बहुत इस्तेमाल किया जाता है जी, दही और ब्राउन प्याज। तो ये नहारी डिश है वैसे मॉर्निंग की, ब्रेकफास्ट की, हाँ, लेकिन अब लोग शाम में भी खाना पसंद करने लगे हैं, शाम में। अब ये कई सालों से नहारी नहीं हो पार्टी के अंदर तो पार्टी नहीं होती, कोरमा बिरयानी नहारी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वाइट कोरमा ना हो, स्टू ना हो, अचारी कुछ ना हो, नहारी बिरयानी तो चाहिए चाहिए। तो ये पुरानी दिल्ली की सबसे ऑथेंटिक डिश है ही यही, बिल्कुल नहारी है, कोरमा है और बिरयानी भी है, इसमें भी केवड़ा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, अच्छी स्मेल की, चिपचिपाहट भी है, चिपचिपाहट है, वो घी डाला है लास्ट में ऊपर से जी, नहीं नीचे भी डाल रखा है, ऊपर से अलग डालना पड़ता है हमें। और कौन सी डिशेस चलती हैं शादियों में पुरानी दिल्ली के दलीम है, जिसको हलीम है, हम हलीम नहीं बोलते उसको दलीम बोलते हैं, ठीक है ना, दलीम है, और डिशों के अंदर तो बहुत सारी आइटम है, चिकन हरियाली है, मटन तो प्याज़ा है, और अलग अलग अगर आपका कश्मीरी चिकन है, अफगानी चिकन है, मुर्ग मसल्लम है, दिल्ली में ये चलता है, लेकिन ये लोग जो ना जो बेस्ट पैसा करने वाले ना ये वो लोग कराते हैं, क्योंकि खानों से है नहीं चकना फेंक देना,
आज जिन्हें इतनी आइटम लगवाई है, चार आइटम लगवाई है खाने में, लेकिन चुनिंदा है। आराम से आदमी खाएगा बेझिझक, मटन खा कितना खाया है नहीं? सही बात है, आइटम कम होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आज जिन्हें ऐसी आइटम जो हम कहते थे ना, आजी से आजी हमारी बात मानते हैं। मेरे आजी से तालुक बने उतने कितना साल में छोड़ इतना था जब से मैं उनके काम करता आ रही हूँ। और जिस काम में मैं नहीं होता उस काम में वो कहते हैं यार मैं काम ही नहीं कराना, मुझे इनके लिए आना पड़ता, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। शुक्रिया। अच्छा भाई, चले ठीक है भाई। खाने के बाद मीठे में हमने दानिश भाई की ही दुकान से बन के आए घी से लबालब और चाशनी में डूबा हुआ शाही टुकड़ा और रबड़ी जैसी खीर का लुत्फ उठाया। ये शाही टुकड़ा, इसके ऊपर डलवाते हैं थोड़ी सी ठंडी सी खीर। अरे वाह, गरम शाही टुकड़ा उसके ऊपर ठंडी खीर। आज तो बिल्कुल शुद्ध घी में बनाया, अलग ही जायका आ रहा है शाही टुकड़ा का, बहुत ही उम्दा। अब खीर भी बहुत लाजवाब है। अब वक्त हो चला था अपनी जबां को थोड़ा आराम देने का, लेकिन बिना पान के कैसे रहा जाए। चलिए हम अपना फाइनली आज के जायके का सफर एंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की और बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से मिलके। ऐसा लगा था कि मैं तो कहता हूँ मशा पुरानी दिल्ली मेरा दूसरा घर है, मैं अपने घर के बाद सबसे ज़्यादा कहीं समय स्पेंड करता हूँ तो वो पुरानी दिल्ली में स्पेंड करता हूँ, तो मुझे लगा ही नहीं मैं कहीं और आया हूँ। मैं लगा अपने ही घर में ही घूम रहा हूँ, अपने घर के ही लोग यहाँ पे हैं और फाइनली एंड कर रहे हैं पान से। आई रात होती गई, बन ठन के मेहमान आते रहे और महफिल जमती गई। पान बिल्कुल जम चुका था और साथ ही साथ वक्त भी हो चुका था घर जाने का। हमने दानिश भाई और हाजी साहब को मुबारकबाद देते हुए दावत से अलविदा कहा और मन ही मन सोचा कि पूरे जीवन पुरानी दिल्ली से ऐसे ही नाता जुड़ा रहे और ऐसे ही दोस्तों की दावतों का न्योता आता रहे।